स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम आज वर्क लेके आए हैं जी, डोर फ्रेम की फिटिंग कैसे होती है। एक फिक्स विंडो है डोर के साथ, तो उसकी फिटिंग कैसे होती है आज की वीडियो में जो पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियो जो है हमारी कंस्ट्रक्शन बेस पर आती है, ठीक है जी। सो वीडियो लास्ट तक वॉच करें, चैनल अपना जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो जी, जो फ्रेम है उसकी थोड़ा पानी लगाकर सफाई की कर रहे हैं ये लोग वर्कर। तो सफाई करने के बाद इसकी जो है फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करके बताएंगे। सो इसी के साथ इसको क्लंप जो है वो लगा रहे हैं, क्लंप जो कि इसकी सपोर्ट के लिए, इसकी पकड़ के लिए दीवार में लगाए जाते हैं। सो दीवार में इसको फिक्स किया जाएगा। कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे फिट किया जाता है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो अभी देख सकते हो वीडियो में जो वर्कर हैं वो पेच के साथ क्लंप लगा रहे हैं, तो क्लंप जो है प्रॉपर लगा चुके हैं। और इन लोगों ने जो अपनी पाठ पूजा करनी थी वो भी कर रहे हैं, सो करके तो इसकी फिटिंग जो है की जाती है कैसे लेवल में, साहुल में बिल्कुल प्रॉपर इसको लगाया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो आगे शुरू करते हैं जी, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखें वीवर जो वर्कर हैं, विंडो फ्रेम, वुड फ्रेम, डोर फ्रेम, ठीक है जी, पूरा वुड का बना हुआ है ये फ्रेम। तो इसे कैसे लगाते हैं, कैसे इसे फिट किया जाता है, तो अभी देख सकते हो दीवार के ऊपर थोड़ा जहाँ पर इसको फिट करना है डोर फ्रेम, वहाँ पर थोड़ा नीचे मसाला लगाया, ठीक है जी। तो बिल्कुल सेंटर में, दीवार के सेंटर में लगाने जा रहे हैं। मेन डोर फ्रेम है हाउस का, मेन डोर फ्रेम, ठीक है जी। तो इधर उधर दोनों साइड पर उसे सपोर्ट लगा दिया, रस्सी से ऊपर जकड़ कर बांध दिया गया है ताकि ये इधर उधर ना गिरे। और इसे बिल्कुल साहुल में, लेवल में फिट किया जाता है। साइड पर साहुल की जाती है, सामने फ्रंट पर साहुल की जाती है। और लेवल जो है इसका टॉप लेवल वो ऊपर से बिल्कुल सेम एक ही बराबर होगा सारा, जो भी इसमें इस हाउस में जितनी भी विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम लगेगी बिल्कुल इस जो टॉप लेवल है उसका इसी के बराबर लगेगा, ठीक है। सो जो टॉप लेवल है एक ही जाएगा इस पूरे हाउस में। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल साहुल में कर रहे हैं वर्कर। तो साहुल को में करने के बाद इसे जो है पूरा प्रॉपर ऊपर तक इसका साइड में ब्रिक वर्क किया जाएगा। तो ब्रिक वर्क स्टार्ट भी कर चुके हैं, ठीक है जी। सो इस प्रकार से जो है इसका ब्रिक वर्क करेंगे, पूरा दीवार ऊपर तक लेके जाएंगे। तो अभी देख सकते हो वीडियो में, ठीक है जी, जिगजैग जो ब्रिक्स लगाई गई है इधर उसकी के साथ ज्वाइंट होता जाएगा, एक जिगजैग डिज़ाइन में छोड़ा जाता है आगे पीछे थोड़ा करके, जिसे दाढ़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो दाढ़े में जो फंसाते जाएंगे ब्रिक्स को। तो अभी आप देख सकते हो वीडियो में बहुत ही अच्छा जो है वर्कर मैशन करके बताएंगे कि ब्रिक वर्क कैसे होता है, ब्रिक वर्क ब्रिक में ब्रिक के साथ कैसे डोर फ्रेम की फिटिंग की जाती है दीवार के ऊपर। तो इसी के साथ क्लंप जो है नीचे एक फुट ऊपर हाइट में लगाया गया है दीवार के, जो फ्रेम है वुड फ्रेम उसके नीचे वाले लेवल से एक फुट ऊपर करके लगाया गया है ये क्लंप। और इस क्लंप को पूरा जकड़ेंगे कंक्रीट के साथ, ठीक है जी। जब ये ऊपर चनाई लेके जाएगा क्लंप के पास, तो इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा ताकि क्लंप की पूरी जकड़ जो है बन जाए, पकड़ बन सके। और लाइफ टाइम के लिए ये विंडो फ्रेम जो है दीवार के अंदर जकड़ा रहे। तो अभी आप देख सकते हो वीडियो में कैसे ब्रिक वर्क हो रहा है, साइड पर कॉलम जो है लग रहे हैं। तो देख सकते हो वीडियो में दोस्तों, तो देख सकते हो अभी जो क्लंप के पास बिल्कुल चुनाई जो है पहुंच चुकी है, और क्लंप को भी बिल्कुल प्रॉपर दीवार के अंदर फिट कर दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हो वीडियो में, ठीक है जी। इसी के साथ बिल्कुल साहुल में चपटी में जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो अभी देख सकते हो वीडियो में क्लंप में कंक्रीट डाली जा रही है। सो क्लंप जब भी आप किसी भी विंडो फ्रेम लगाते हैं, डोर फ्रेम लगाते हैं, तो जो क्लंप है उस पर कंक्रीट जरूर करें ताकि पूरा जकड़ा जो जकड़ है इसकी पकड़ बनी रहे। तो अभी आगे वीडियो में देख सकते हैं दूसरी साइड पर भी ब्रिक कॉलम ऐसे ही लगाएंगे जे। सो स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करके बता रहे हैं आपको। सो साथ ही डोर फ्रेम के साथ ही एक विंडो है, विंडो एक पल्ला विंडो, तो ये बिल्कुल नाली फिक्स की गई है।
तो इसी के साथ देख सकते हो बिल्कुल चपटी में जो ब्रिक कॉलम लग रहा है। अभी देख सकते हो जे ऊपर मसाला डालकर वार पे ऊपर मसाला डालकर ब्रिक्स के ऊपर तो उसके ऊपर लगा रहे हैं वर्कर। बहुत ही अच्छे तरीके से जे वर्क हो रहा है मसाले के साथ। थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट छोड़ना है अंदर तो और मसाला उसमें ग्राउंड कर देना है ब्रिक्स के अंदर। थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट जैसे आधा आधा इंचीज थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट छोड़कर उसमें मसाला देख सकते हैं आप करंडी के साथ कैसे ग्राउंड किया जा रहा है तो ताकि इसकी पकड़ जो है ब्रिक्स की पूरी बनी रहे मसाले के साथ। तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके बनाया गया है क्योंकि काफ़ी जो है समय कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे जे फ्रेम फिट करने में। तो इस वीडियो को प्रॉपर 8 मिनट में जो है स्पीड करके बनाया गया ताकि जल्दी से जल्दी एक डोर फ्रेम वुड डोर फ्रेम कैसे फिट होता है इसका प्रोसेस जो है वीडियो में प्रॉपर दिखाया जा सके। तो अभी देख सकते हो जो दूसरा कॉर्नर है वो भी दोनों को साइड के कॉर्नर जो बन रहे हैं ठीक है जी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। हमारा जितना भी कंटेंट है वो पूरा कंस्ट्रक्शन बेस पर अपलोड होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप वीडियो में कैसे जो है कि डोर फ्रेम फिट किया जाता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और आगे आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।